गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। एक अच्छी खबर ये है कि भारती का आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है, जिसके चलते हम लोग बहुत उनको कुछ सिम्टम थे तो अभी दो बार उसका टेस्ट हो चुका है रिसेंटली मेरे को कोविड पॉजिटिव होने के बाद। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दोनों बार नेगेटिव आया हुआ, तो अभी कम से कम यही कि मतलब जो है फैमिली में अब जो है वो बच्चे मम्मी के साथ रह पाएंगे, अदरवाइज तो हम लोग सब अलग अलग कमरों में बंद हो गए थे। खैर, आपको एक अच्छी बात बताऊंगा आज में सुबह सुबह कि जो है एक बात ध्यान रखना बेटा। क्या होता है कि जब कभी लाइफ में कुछ भी जो हम अचीव करने का सोचते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, बड़ा आदमी बनने का सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, लोग समाज में अपना प्रभाव रहे, समाज में लोग जाने, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि समाज के साथ में संवाद स्थापित करना। अब आप बोलेंगे सर ये संवाद वर्ड का मतलब क्या है? देखो, हम सब लोग जब एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन तरीके होते हैं जिससे हम लोगों से अपनी बातें कह पाते हैं या सुन पाते हैं। एक होता है हम लोगों से जो है वो सिर्फ बात करते हैं, मतलब लोगों से बात करते हैं, फौरी तौर पर बात करते हैं, हम ना सीखने की कोशिश करते हैं ना सिखाने की कोशिश करते हैं, केवल बात करते हैं, बात इन जनरल, बात कोई भी बात हम कर रहे हैं जिसमें, ठीक है ना, मौसम की बात की हमने, पॉलिटिक्स की बात की हमने, तो एक होता है केवल बात करना, और केवल बात करना प्रभावी नहीं होता है, वो केवल जो है समझ लीजिए वो फिलर के समान, जो आपके पास समय उस समय में आपने कुछ चीज़ें भर दी हैं आपने कि खाली ना रह जाए उठ के, वो तो बात करना हो गया। दूसरा, कई लोगों की हैबिट होती होगी, आपने देखा होगा कई लोगों की हैबिट होती है बहस करना, के बहस करना मतलब ये है कि वो किसी भी पॉइंट पर लेकर जो है आपने कुछ कहा, आप बोलेंगे कि ऐसा होता है तो उसका अपोजिट बोलेंगे वो, ठीक है, और आप 15 दिन बाद ट्राई करेंगे जब वो जो वो बोल रहे थे उसी को आप बोलेंगे तो उसका भी अपोज करेंगे वो, उनका नेचर ही होता है बहस करना। और ऐसे जो लोग जो हर बात में बहस करते हैं ना, आपको बता दो उनके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनको लगता है कि वो सही है और दुनिया को सही सिद्ध करने के लिए वो हर पॉइंट पर बहस करते हैं, ठीक है। जो बड़े जितने महान लोग हुए हैं ना, ना तो वो बात करते हैं ना वो बहस करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? जो बड़े महान लोग हुए हैं जिनको दुनिया जानती है, कि जिन्होंने बड़े वैसे, हम चाहे पैगंबर मोहम्मद की बात कर लें, हम चाहे जो है मोहम्मद साहब की बात कर लें, हम चाहे जो है वो अपना भगवान श्री राम की बात कर लें, हम चाहे किसी ऋषि मुनि की बात कर लें, हम के चाहे किसी, चाहे ईसा मसीह की बात, किसी की बात कर लें जिनको दुनिया मानती है, उन लोगों की हम बात कर लें, या हम किसी बड़े भारी पॉलिटिशियन की बात कर लें, हम किसी भारी जो है वो साइंटिस्ट की बात कर लें, किसी की बात, जो बड़े लेवल स्तर पर गया है, आप पाएंगे वो ना तो बात करेगा ना वो बहस करेगा, वो संवाद करेगा। संवाद में क्या होता है, दो तरफा अपॉर्चुनिटी होती है सीखने के लिए। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हम संवेदनशील होकर बात करते हैं, हम सामने वाले के ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं और अपने तथ्यों को हम इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का दिमाग भी उसको ग्रास करने की कोशिश करे। तो लाइफ में सफल बनने के लिए केवल बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल बहस करना या बहस को जीत लेना वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है संवाद करना। सही तरीके से आप अपने संवाद को, अपनी बात को रखेंगे, सामने वाला आदमी उसको सुनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोगों में एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम सुनना नहीं चाहते हमके, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं हमके। और आपको बता दूँ, सिर्फ आप एक कोई भी वॉल्व जो एक तरफा खुलता है, ठीक है, उससे बहुत कुछ मिलता नहीं हमको, बाइवॉल्व सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब ये है कि हम सुनने के अलावा, हम बोलने के अलावा सुनने की भी क्षमता रखते हैं उनके, क्योंकि जब आप सुनते हैं लोगों से, सुनने जब आप किसी से कुछ बातें सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार जाते हैं, फिर आप उसको प्रोसेस करते हैं। ये बात जरूर है कि कई बातें, कई विचार ऐसे होते हैं जो गैर जरूरी है, जो काम के नहीं है, वो छांटना हमारा काम है, ठीक है। हमारा काम ये है कि हमारे पास जो रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें से हम छांट लें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। तो आज का लर्निंग ये है कि बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, संवाद करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, संवाद करेंगे। संवाद सिखाता है, संवाद इम्प्रूव करता है, संवाद पहचान बनाता है। बातें किसी काम की नहीं होती है, बहस नुकसानदायक होती है, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे एंड, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छा अचीव कीजिए लाइफ में, जो आप करना चाहते हैं वो अचीव कीजिए लाइफ में आप, लेकिन हर दिन एवरी डे अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दीजिए पहले से बेहतर इंसान बनने। ऑल द बेस्ट।